गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और ये वीडियो नंबर 8 है। एक बात ध्यान देना, जो ओल्ड बुक है उसमें 8.9 है और जो न्यू बुक है उसमें 4.9 मिलेगा। कोई नहीं, बुक आगे बदल भी जाए तो भी आपको ये चैप्टर पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, चलिए आज स्वागत करते हैं वह हमारे चैनल जो राधा रानी फ्री ट्यूशन है बेटा, तो उसमें आप चेक कीजिए क्वेश्चन को, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको हेल्प ले सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए, आशु इज एक्स ईयर्स ओल्ड व्हाइल हिज मदर मिसेस वीना इज एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड। देखो बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर कुछ भी दे सकता है उसका एज। अगर आशु का एज एक साल की है और उसकी मम्मी का एज कितनी है, ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है, मैंने लिख दिया। फाइव ईयर्स हैंस, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये हैंस क्या होती है, कभी कभी वो पहले समझते हैं या बाद में, ये पाँच साल बाद। अगर आप ये हैंस अगर आपको समझ में नहीं आएगा, लाइन को और आगे पढ़ेंगे, मिसेस वर्मा विल बी, सेल और विल कहाँ लगता है, फ्यूचर के लिए लगता है, इसका मतलब वो आगे की दे रखा है। कभी ऐसे तो नहीं देगा पाँच साल बाद मेरे एज था, ऐसे नहीं आएगा बिल्कुल ही, पाँच साल बाद मेरे एज होगा या होगी जो भी है, तो उस टाइप की जो लाइन है विल बी आ जाएगा। तो हेंस का मतलब होता है पांच साल बाद। मिसेस वर्मा विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज आशु, इसका मतलब पांच साल बाद दोनों बढ़ेंगे। अगर आशु एक साल का है तो बेटा पांच साल बाद वो कितनी कितनी है? ये हो गया एक्स प्लस हिज मदर, आशु है ना तो लड़का है, एक्स प्लस फाइव। और उसकी मम्मी का एज कितनी थी बेटा, ना एक्स स्क्वायर है, और उसका एज पांच साल बाद कितना हो जाएगा, ना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ना पांच साल बाद आशु के मम्मी की जो आयु है, इट मींस ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव जो है उसकी जो एज, उसका जो एज पांच साल के बाद होगा उसकी थ्री टाइम्स है। बस इक्वेशन बन गया, फिर सॉल्व करोगे? सॉल्व तो आपको पहले करा दिया मैंने बहुत सारे, तो सॉल्व को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसका एज एक्स है, इसका एक्स स्क्वायर है, फाइव ईयर्स बाद दोनों बढ़ेंगे, और उसकी मम्मी का जो एज है और आशु की एज के थ्री टाइम्स है, देन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। ओके बेटा, आ गया होगा समझ में? सेकेंड क्वेश्चन तरफ आते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन, एक आदमी और उसके बेटे का जो आयु का जो जोड़ है वो 45 है। तो आप दो तरह से कर सकते हो, एक का एज अगर ए होगा दूसरा का 45 माइनस ए हो जाएगा। एक का एज क्या होगा, अगर ए होगा, ए बी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहे कि नहीं सर जी वन वेरिएबल में तो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों करें, कोई बात नहीं बेटा, कौन मना कर रहा है। ए और दूसरा का एज हो गया उनके पिताजी का, हो गया ये आपका ए 45 माइनस ए। उसके बाद दे रखा है फाइव ईयर्स एगो, देखो एगो आ गया, इस वर्ड को आपको समझना है, एगो इसका मतलब पहले, नहीं पता लग रहा है पहले और बाद में, तो उसकी लाइन में देखो वो आ जाया था मतलब क्या है, ना पहले। तो फाइव ईयर्स एगो इट मींस ए माइनस फाइव, पहले का मतलब हो गया ए माइनस फाइव एंड फाइव ईयर्स पहले, तो ये भी फाइव ईयर्स पहले कितना होगा, 45 माइनस ए माइनस ए, 45 माइनस ए माइनस फाइव, ये आपका आ गया, ये कितना होगा, ये ना 40 माइनस ए, इधर हो गया 40 माइनस ए, आ गया बेटा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, ना दे रखा है ना फाइव ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज फोर टाइम्स द मेंस एज एट दैट टाइम, जिसका मतलब आदमी का जो एज था, आदमी का एजेस कितना था, ना आपका ए माइनस फाइव है, तो दे रखा है ये मेन का जो प्रेजेंट एज ऑफ मेन, तो मेन को ए माना गया है, मैंने मेन का एज कितना माना था, ए माना था, पांच साल पहले उसका आयु कितना था, ए माइनस फाइव। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ए माइनस फाइव इंटू 40 माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस फाइव, क्यों ना दे रखा है ना फाइव ईयर्स एगो, चलो फाइव ईयर्स एगो में ये क्वेश्चन आ गया आपका, फाइव ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ए माइनस फाइव इंटू 40 माइनस ए इक्वल टू फोर टाइम्स
कितने टाइम है, फोर टाइम्स, मतलब चार गुना है द मेन्स एज एट दैट टाइम, उस टाइम जो उसका एज था, तो ए माइनस फाइव है, प्रेजेंट एज देता तो मैं फोर ए कर देता, लेकिन एट दैट टाइम है तो आपका हो गया ए माइनस फाइव। फिर उसको आप सॉल्व करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ द सिखाज एज फाइव ईयर्स एगो एंड हर एज एट ईयर्स लेटर। बेटा देखो, ये शिखा की जो एज है वो लड़की है, तो उसका अभी प्रेजेंट एज मैंने मान लिया ए, मान लिया ए या एक्स कुछ ही मान सकते हो बेटा, पाँच साल पहले एगो, एगो मीन्स पहले का होता है, ओके एगो, ओके तो ये हो गया ए माइनस फाइव, और आर्ट्स एट ईयर्स लेटर मतलब बाद में, तो ये ए प्लस एट, वो आपका मिलकर कितना हो गया आपका, इंटू करोगे तो थर्टी है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, ओके फोर में आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज फाइव ईयर्स एगो, अच्छा फाइव ईयर्स एगो, एगो मीन्स पाँच साल पहले, वर्तमान प्रेजेंट एज ए मान लो, तो पाँच साल पहले उसका एज हो जाएगा ए माइनस फाइव, ठीक है, और फिर नाइन ईयर्स लेटर, ये नाइन ईयर्स लेटर मतलब नौ साल के बाद, तो ए प्लस नाइन इज फिफ्टीन इक्वल टू फिफ्टीन, ये मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, तो फिर आप सॉल्व कर दोगे, ओके। पांचवा में आ जाओ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज ट्वेंटी ईयर्स, अगर एक का अगर ए होगा तो दूसरे का ट्वेंटी माइनस ए हो जाएगा, और फाइव ईयर्स एगो मतलब चार साल पहले दोनों ही कम होगा, तो ये आपका ट्वेंटी माइनस ए माइनस फोर और ए माइनस फोर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन फोर्टी एट, तो इसका एज हो गया फोर्टी एट। कुछ नहीं बेटा, सेम क्वेश्चन है, आप देखते रहो, सेम क्वेश्चन है, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज फादर, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, सॉरी हर सिस्टर, फादर कहाँ से होगा बेटा, सॉरी ए गर्ल इज ट्वाइस, ए लड़की जो है दुगुनी है अपनी बहन से, ठीक है, चार साल हैंस, चार साल हैंस मीन्स बाद में, अब वो ध्यान देना एच ई एन सी ई, नहीं भी समझ में आ रहा इधर आपको विल भी दिया हुआ मिलेगा, ध्यान देना उसमें कन्फ्यूज हट जाएगा आपका। अभी एक जो टू टाइम्स है, अगर मान लो उसके सिस्टर का एज हो गया ए हो गया, सिस्टर का एज हो गया कितना इतना हो जाएगा, तो उस लड़की का एज कितना हो जाएगा बेटा, ना वो दे रखा है ट्वाइस है, तो उस लड़की का उम्र हो जाएगा टू है, टू इंटू ए हो गया, ट्वाइस मतलब टू है, और उसके बाद क्या दे रखा है, फोर फोर ईयर्स हैंस, फोर ईयर्स हैंस का मतलब क्या होती है ना बाद, तो चार साल बाद ये भी ए प्लस फोर हो जाएगा, ये भी हो जाएगी, और टू ए प्लस फोर ये भी हो जाएगी, और उनकी प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे रखा है इसका मतलब इंटू करना है बराबर में 160, फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा बेटा, उसको सॉल्व करोगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक समझ में, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना, ए का रेसिप्रोकल 1 बाई ए, 2 बाई 3 का रेसिप्रोकल 2 बाई 3, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमांस एज 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम ना, उसका एज मान लो एक्स मान लो ए मान लो, और दे रखा है क्या है ना 3 साल क्या है 3 साल एगो मीन्स पहले, तो पहला उसका एज ए है, तो 3 साल पहले जो उसका एज रेमान का था वो क्या है एक्स माइनस 3 है, पाँच साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा ए प्लस फाइव हो जाएगा, ए प्लस फाइव, और क्वेश्चन रखा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब पता है बेटा उल्टा कर देना है, उल्टा का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है वन है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा ना वन बाई ए माइनस थ्री, फिर ए प्लस फाइव का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई ए वन प्लस फाइव, ये दोनों मिलकर वन बाई थ्री हो जाएगा, फिर उसको आप जैसे सॉल्व करोगे वो आपका सॉल्व होगा, ओके बेटा। 9.8.9 एक छोटा सा एक्सरसाइज है, तो उसको आप कर सकते हैं, जो नई बुक है आरडी शर्मा उसमें आप 4.9 मिलेगा बेटा, क्योंकि आप प्रयास करना और इसमें कुछ नहीं है, ये एज है, और एज में और जो टॉप क्वेश्चन मिलेगा आपको दूसरे बुक में वो भी मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसमें ज़्यादा लंबी नहीं है तो थोड़ा सा और हो जाता है, एक्सरसाइज 8.10, ओके तो आप एक बात समझ जाना, जो बेटा राइट ट्रायंगल होती है, ये देखो क्या दे रखा है ना, ये एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, ये एक कोण दे रखा है 90 का, ये पूरा सीधा खींचोगे ये 90 का, ये मेरा एच होता है हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या कहा गया है, हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट, ये 25 सेंटीमीटर है, लो ये आप कर दिया आपने 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5, अगर बेटा एक को x मानोगे तो दूसरा आपको क्या होगा ना
देखो दोनों दे रखा है कितना, दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको 5 दे रखा है। अगर मैं एक को x मानता हूँ, अगर ये मेरा x हो गया तो ये क्या होगा x प्लस 5, जो डिफरेंस बेटा दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 में से मुझे x अगर माइनस करूँ तो बेटा मेरा वही होगा, या तो एक x है तो एक x माइनस 5 कर देना, कोई इशू नहीं है, दोनों बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उससे आप क्या करेंगे ना, आप पुट करोगे, उससे आपको सॉल्व हो जाएगा। ये लिखा लिखा हुआ है जो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो पहले आप क्या करोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला आप लगा देना जो कि आपका हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो आपको दे रखा है 25 है, तो आप क्या करोगे एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, देखो क्या करोगे एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स वाई भी लेके आप कर सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये एक्स प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, बस इसको अभी ए प्लस बी का स्क्वायर लगाओगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्सपेंड करके फिर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है जी। सेकंड में आते हैं बेटा, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल जितने द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग डबल्ड, न्यू हाइपोटेनस विल बी 9√5 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। दे क्या रखा है बेटा ना, अगर मान लो एक राइट ट्रायंगल में ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया और ये छोटा वाला लेंथ को मैंने ए मान लिया, बड़ा वाले को मैंने बी मान लिया, और डायगोनल मेरा दे रखा है कितनी दे रखा है बेटा, हाइपोटेनस कितना, डायगोनल तो नहीं, हाइपोटेनस कितना दे रखा है ना, 3√10 ये ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा ना, राइट ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3√10 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 9 10 90। अब क्या है, स्मॉलर लेग को ट्रिपल किया जाए, ट्रिपल मतलब तीन गुना कर दूं, जहां ए था बेटा 3a हो जाएगा, और लॉन्गर लेग को डबल कर दूंगा, डबल मतलब 2 गुना 2b, तो इसका क्या होगा 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9√5। तो 9√5 का होल स्क्वायर कर दो, इतना था बेटा। जैसे ना अगर ए हो स्मॉलर साइड, अगर लॉन्गर साइड वो आपका, अगर लॉन्गर साइड बी हो तो उसके हाइपोटेन्यूज 3√10, तो इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बढ़ा दिया जाए इसको ट्रिपल और इसको डबल कर दिया जाए तो ये आपका आएगा, दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व करोगे। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क, कौन सी पार्क है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। सर्कल बनाना बेटा, टेढ़े मेढ़े मत बनाना, ये 13 है, ये तो मैं पेंसिल में इधर उधर से ले रहा हूं तो ऐसे बन जाता है। 13 डायमीटर है तो 13/2 कर देना बेटा, ये क्या हो जाएगा 13/2, आपको पता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय टू। जी तो देख क्या रखा है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए ए टू बी। जी हाँ देखिए बच्चे, इसमें क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ये पोल ए हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, देखो। और इन ए सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। देखो एक गेट यहाँ ए में है, एक गेट बी है, मैंने माना सी कोई तीसरा है गेट, जिससे कि और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है, वो मीटर में दे रखा है, और ये जो है वो 7 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ए सी हो गया मेरा एक्स प्लस 7, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है ना डायमीटर दे रखा है तो वो तो 30 मीटर हो गया। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, चाहे इसको बी मानो इसको पी मानो कैसे भी है, ऐसे भी ए माइनस 7 कर सकते हो, अगर ये ए होगा वो ए माइनस 7,
तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, पर ऐसे करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इतने मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो शॉर्टर साइड है तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 का होता है, वो आपको ध्यान देना। हाँ ये शॉर्टर साइड है, कितना मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। अगर ये एक्स हो गया या ए हो गया, ये मेरा हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस 60, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। फिर इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और दे रखा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, तो फिर ये एक्स है तो एक्स प्लस 30 हो जाएगा। ओके फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, सॉरी सॉरी क्या दे रखा था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल दे रखा है बेटा, सॉरी 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 फॉर इट, ये एक्स प्लस 60 दे रखा है डायगोनल, ये जो उसके विकर्ण है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण बोलते हैं। और ये जो मेरा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। कितने दे रखा है बेटा, जहाँ ये 60 है वहाँ दे रखा है 30। अब पता होगा बेटा रेक्टेंगल की ईच एंड एवरी एंगल जो है, ये प्रत्येक कोण 90 का हो गया, ये एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं है ना, ये जो मेरा ये मान लो ए बी सी दे दोगे, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन, हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर, ये मेरा हो गया 8.10 हो गया। फिर 4 क्वेश्चन है इसमें हाइपोटेन्यूज, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा 8.11 में आ जाओ। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना दे रखा है बेटा, जी हाँ वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो 8.11 इसका मतलब जो नई बुक है उसमें 4.11 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कर रही हो बुक में चैप्टर नंबर 4, कौन सी जो आपका एनसीईआरटी बुक है। और दोबारा एक बात बताना चाहूंगा, जिस बुक को बुक नहीं आ रहे हैं तो उसको बुक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्वेश्चन तो बुक से आना है, अपना नॉलेज थोड़ा इंप्रूव करने के लिए तो आप और चीज़ आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब डी शर्मा आर एस अग्रवाल करो और बुक भूल जाओ, ऐसे नहीं है। पहले आप किताब को कीजिए, अगर आपको 95-96 तक लाना होगा, 90 प्लस तो बुक से ही आ जाएगा, लेकिन आगे अगर आपको 100 तक पहुँचनी है तो आप क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बाहर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी कोई क्वेश्चन एक आधे बाहर से आ जाते हैं तो आप कर नहीं पाओगे, वही जो 5-7 नंबर 10 नंबर के लिए आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके बेटा, जो 100-200 चाहिए अगर आपको। ओके अरे चलिए, तो क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ, चलिए तो आप देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 × L + B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया L × B, तो आप क्या करोगे ना, 2 × L + B इक्वल टू 82, 2 डिवाइड करो ये 41 हो गया, तो B हो गया 41 माइनस A, ठीक है। और दोबारा क्या करेंगे, एरिया के लिए A × B इक्वल टू 400, और जहाँ पे बी है उस जगह पर 41 माइनस ए लगा दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा ना, आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, दोबारा देखो दोनों चीज़ दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, उसको ए उसको बी मानो कैसे भी, तो 2 जब इंटू था तो डिवाइड हो जाएगा 41, और बी इक्वल टू ये ए प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। और एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू L × B, या यहाँ पे बी इन ए इंटू बी ये इक्वल टू है बेटा, ये बड़ा ये माइनस दिख रहा है तुम्हें, अब यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू 400, तो जहां बी का वैल्यू है ये इसको यहाँ पे लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा, ए लेंथ ऑफ ए हॉल 5 मीटर मोर देन इट ब्रेथ, ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया L × B लगा दो, फिर आपका आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा L × B आपको लगा दोगे 84 तो आपका हो जाएगा। तीसरा आ जाओ, 2 स्क्वायर हैव द साइड्स x सेंटीमीटर x प्लस 4, एक स्क्वायर छोटा सा दे रखा है x है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड का स्क्वायर, फिर ये दूसरे का स्क्वायर हो गया वो भी साइड का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर का जोड़ दे दिया 5656, तो उसको फिर सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना।
फोर में आ जाते हैं द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 165। तो देखो ये बेस दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो दे रखा है क्या है, डिटरमाइन इट्स बेस एंड अल्टीट्यूड, बेस और अल्टीट्यूड निकालना है। इफ द लेटर एक्सीड द फॉर्मर, मतलब पहले के दूसरा जो बड़ा है 7 मीटर, वो थोड़ा सा आपको घुमा दिया बेटा, दे रखा है बेस से अल्टीट्यूड ज्यादा है, कितना ज्यादा है ना 7 मीटर है, बच्चे यहाँ समझ नहीं पाएंगे एक्सीड कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए और ए प्लस 7, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट करके ये वाला लाइन तुम्हारा आ जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व करोगे। इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लगाना है, एच तो यहाँ दे नहीं रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया मतलब इसके बेस और अल्टीट्यूड का काम है। फाइव में आ जाते हैं, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, अच्छा मैंगो आम का एक ग्रोव बना रहे हो जिसमें लेंथ दुगना है ब्रेथ से, अगर ब्रेथ मेरा ए होगा या एक्स होगा तो लेंथ होगा मेरा 2x हो जाएगा और एरिया हो जाएगा एक्स इंटू, ये देखो 2a इंटू ए, एल इंटू बी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको इसको सॉल्व हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पर पेरीमीटर दे रखा है सी, तो 2 × L + B या ए प्लस बी, सी हो गया ए प्लस बी 40, एरिया हो गया 400, एरिया के लिए क्या करेंगे एल इंटू बी ए इंटू बी, तो ए के जगह पर जो वैल्यू लगा दो, अगर बेटा माइनस में नहीं आ रहा है पॉसिबल है, अगर माइनस में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो प्लस में आ रहा है तो बी से, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ओके बेटा, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर बिल्कुल वही है, एक को अगर एक्स मानोगे दूसरे को आप ए, ए एक का साइड मैंने ए मान लिया, दूसरे का साइड मैंने बी मान लिया, और एरिया का सम दे रखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका 640, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा, परिमाप, परिमाप तो 4 × साइड होती है, तो परिमाप का जो डिफरेंस है वो आपका हो गया 64, 4 को आप, 4 को आप कॉमन लेके इधर डिवाइड हो जाएगा 16 है, इस इक्वेशन में देखो, और a इक्वल टू 16 + b, तो a का जो वैल्यू आ गया ना बेटा, इस a का वैल्यू को 16 + b a के जगह पर लगा दो, फिर इस इक्वेशन से तो आप सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका 7th क्वेश्चन, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 cm², दोनों बिल्कुल वही है, जैसे आपने 7 देखे हो ऐसे आपका 8 है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, माइनस था इधर प्लस हो गया, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इतनी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस, अगर एक का हो गया ए तो दूसरा क्या रखा है पता है ना, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगुना है बेटा, तो अगर एक दे दिया हमारा ब्रेथ हो गया अगर मेरा ए तो लेंथ इतना हो गया, तो उसका एरिया जो है क्या होगा एल इंटू बी हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा। ओके बेटा, तो ये आपका 8.11 तक आपका हो गया, 8.11 तक आपका हो गया ये, तो इसको आप क्या करना है 8.11 यहाँ तक बेटा हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ वही कि बच्चे को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आंसर से नोट आउट मत कीजिए, पहले आप अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है, मम्मी पापा बुक देते हैं और आप आंसर से टिप लोगे, नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हर एक क्वेश्चन में, उनको हिंट्स चाहिए उन बच्चों के लिए, लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ डिफिकल्टी ज़्यादा होगा वो देख सकते हैं। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।